Beta, so this is what we have discussed till now was the organisms, their behavior, that is how do they respond towards the abiotic factors and the population attributes, right? Coming to the next, related to the population only, we are also to discuss about the population attribute. एक चीज है जिससे हम लोग करेक्टर्स पढ़ रहे हैं populations के लिए, ठीक है? तो population का किस तरह से हम लोगों ने characteristics, features उसके study करने होते हैं, that is what we study under the population attributes, whether it is the birth rate or death rate, or it is the ratio, that is of the gender, that is the sex ratio, we call it as a, we don't call the population as a single male or a female, we call it as a sex ratio, full, ठीक है? Then there is a next, that is about the age pyramids. Age pyramids, I told you in the last lecture also, these are very, very important, and that topic is very, very important, okay? Age ranges, that is fertilization, pre-fertilization and post-fertilization. So, इसके हिसाब से हमें जो तीन जो pyramids बना के दिए हुए, expanding, stable and declining, that those three pyramids, they are very, very important, okay? So, we have to do those pyramids very properly, okay? They will be there surely in your exam, okay? So, continuing this population, now we are further adding on to it. After studying their growth pyramids, अभी हमने बात नहीं करी, अभी सिर्फ एट्रीब्यूट्स की बात करी. अभी फर्दर हमने क्या करना है, पॉपुलेशन जो है उसकी अगर हम एक पूरी वैल्यू निकाल लें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन, ऑर्गेनिजम्स दैट विच आर बीन एडेड और दैट विच आर बीन लॉस्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन, दैट बेसिकली प्रोवाइड्स अ साइज टू द पॉपुलेशन, ठीक है? मतलब साइज क्या कहेंगे हम लोग, ये नहीं कह सकते इट्स अ फिक्स्ड नंबर, इट इज नेवर अ फिक्स्ड नंबर, ठीक है? इट इज ऑलवेज अ रेंज और इट्स ऑलवेज अ साइज, ठीक है? So population density, that we continue with, that is the population density. What increases the population density? The count or the size of the population, what increases it? What decreases it? There are four factors basically, two to decrease, two to increase. Can anyone please tell me what are the two factors that increases the population density of any area, any particular ecological area, any natures? If the population is increased, what two factors add to it? हाँ जी, व्हाट आर द टू फैक्टर्स एडिंग टू द पॉपुलेशन डेंसिटी, बताएगा कोई? वन इज ऑब्वियसली द बर्थ, जो हमने एट्रीब्यूट्स में पढ़ा अभी, ठीक है? सो वन इज द बर्थ दैट विच एड्स टू द पॉपुलेशन डेंसिटी, एंड अनदर विल बी द इमिग्रेशन, दैट इज विच एड्स टू द पॉपुलेशन डेंसिटी. मतलब जिसने ऑर्गेनिजम्स का काउंट बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, दैट इज अ पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीजेस विद द टू ऑफ दीज कैन से फैक्टर्स, ठीक है? दैट इज टेकिंग बर्थ, द न्यू ऑर्गेनिजम्स आर गिवन द बर्थ टू, एंड सो द न्यू ऑर्गेनिजम्स आर एडेड टू द पॉपुलेशन. ऑलरेडी अ पॉपुलेशन इज हैविंग अ पर्टिकुलर साइज, ठीक है? इट इज एडिंग टू इट. इमिग्रेशन मीन्स किसी और एरिया में से माइग्रेट हो गए हैं बर्ड्स और वो एंटर हो गए हैं, या बर्ड्स या एनिमल्स या जो भी हैं, ठीक है? किसी भी पॉपुलेशन में जब वो एंटर हो जाते हैं, एड ऑन हो जाते हैं, वी कॉल देम एज टू इंक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है? सो आर द टू फैक्टर्स दैट विच आर गोइंग टू डिक्रीज दिस पॉपुलेशन डेंसिटी, दैट इज डेथ. डेथ को हम लोग मोर्टैलिटी भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोर्टैलिटी, एंड द बर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेटैलिटी. बर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेटैलिटी. Natality adds to it, mortality decreases it, ठीक है? Reduces it. And parallel to this immigration, there is emigration. Emigration means to exit out, to leave out from a population, given population of an area. That is emigration. Okay, two factors adding to the population density. अगर मैं बात करूँ, suppose एक कोई time है, simple. एक समय पे देर इज एन एरिया फॉर पॉपुलेशन एरिया फॉर एन एरिया से देर इज अ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया एट अ गिवन टाइम, ठीक है? व्हाट इज एडिंग टू इट आर द टू फिनोमेनास दैट विच इंक्रीजेस इट, ठीक है? कौन कौन से? एक है नेटालिटी और दूसरा है इमिग्रेशन, ठीक है? इमिग्रेशन पूरा लिखना है तो पूरा लिख दो, इससे आपको याद रहेगा व्हाट इज एडिंग टू. What is removing it? What is removing it? They are the further two phenomena that are mortality. Mortality, opposite to natality, that removes it. Population, organisms, they are dying and that are removing, and that is decreasing the number. And on the other hand, there is
E-migration, that which is again removing the number. The count has been reduced. Okay. So with this small little diagram, you can remember it for long. आपको ये याद रहेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा. मोर्टैलिटी इंक्रीजेस, मोर्टैलिटी डिक्रीजेस, इमिग्रेशन इंक्रीजेस एंड ई माइग्रेशन डिक्रीजेस. अब अगर हमें इसको एक फॉर्मूला फॉर्म में, अगर हमें इसको पूरा एक फॉर्मुलेटेड फॉर्म में अगर इसको शो करना है, दैट इज बाय फॉर्मिंग एन इक्वेशन ऑफ इट, हाउ कैन वी ऐड टू इट, क्या लिखेंगे हम इसमें? हाँ जी, हाउ कैन वी ऐड टू इट, कैन एनीवन प्लीज टेल? एक इक्वेशन बनानी हमने. दिस वॉज अ पॉपुलेशन डेंसिटी इनिशियल, अगर हम लेते हैं तो से इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी वॉज एन टी. ठीक है, आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम से यूनिट टाइम, दैट इज टी प्लस वन. ठीक है, एन टी प्लस वन पे हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है उसके अंदर हमारे को दो फैक्टर्स ने इंक्रीज में कुछ अमाउंट बढ़ाई है पॉपुलेशन की, ऑर्गेनिजम्स की, और दो फैक्टर्स ने डिक्रीज की. तो हमने क्या करना है, बर्थ्स और इमिग्रेशन को ऐड कर देंगे. बर्थ्स और इमिग्रेशन ऐड कर दिए, डेथ्स और ई माइग्रेशन ऐड कर दिए. ठीक है, डेथ्स और ई माइग्रेशन ऐड कर दिए, और इस टोटल काउंट में से अगर हम इसको रिमूव कर दें, माइनस कर दें. ठीक है, सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है ये. अगर हम एक पॉपुलेशन एरिया में जो बर्थ्स और इमिग्रेशन हुआ है उनको ऐड करके, डेथ्स और ई माइग्रेशन को ऐड करके रिमूव कर दें, और जो हमारे पास ये सारा कैलकुलेटिव आंसर आएगा उसको एट इनिशियल, जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी इनिशियल में थी उसमें ऐड कर दें. स्टार्टिंग पॉपुलेशन जो थी एट टाइम टी उसमें हमने इसको प्लस कर दिया, तो वी गेट टू हैव द पॉपुलेशन फॉर अनदर टाइम, दैट इज एन टी प्लस वन. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. ये आपको बोर्ड एग्जाम्स में पहले पूछी जा चुकी है. गिव अ प्रॉपर इक्वेशन विच शोज इन द इक्वेशनल फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, जस्ट शो द पॉपुलेशन डेंसिटी इफेक्टेड बाय द डिफरेंट फैक्टर्स. हाँ जी, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? दिस इज प्लस साइन. ओके, ये प्लस साइन है. एन टी प्लस वन पे एन टी क्या है, दैट इज अ इनिशियल टाइम. एन टी प्लस वन क्या है, दैट इज अ करंट टाइम, जिस टाइम से आपने शुरू किया. लेट से आपने वन वीक अगो शुरू किया था. ठीक है, काउंटिंग में वन वीक तो बहुत छोटा है. लेट से बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स में कर सकते हो, लोअर ऑर्गेनिज्म में. अगर हायर ऑर्गेनिजम्स में करना है तो सालों साल की बात होगी. ठीक है, सो इनिशियल टाइमिंग्स जीरो, जो भी जीरो टाइम्स पे आपने इसको स्टार्ट किया पॉपुलेशन डेंसिटी को. ठीक है, उस टाइम पे ऑलरेडी 10 ऑर्गेनिजम्स थे. ठीक है, फिर उसके बाद आफ्टर 4 ईयर्स उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हुई. Until unless it is not affected, this particular area is not affected by any of the environmental factors, कोई मतलब यहाँ पे tragedies ना हो जाए, कोई disasters ना आ जाए. ठीक है, until unless this is not affected, then there is always an increase. There is more of the increase NT plus 1 as compared to the NP. ठीक है, क्योंकि deaths और immigrations comparatively lesser rate पे होंगी births और immigrations के behalf पे. ठीक है, वैसे ऐसा कुछ fixed भी नहीं है. वही बात आती है ना, अगर यहाँ पे कोई डिजास्टर्स हो गए, अगर इन्वायरमेंटल चेंजेस आ गई, उन बेसिस पे हम ग्राउंड पे हम लोग कह सकते हैं कि ये बढ़ जाएगा, नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, तो हो सकता है हमारा जो एन टी है बहुत ज्यादा बड़ा हो. ठीक है, एन टी प्लस वन से, डिपेंडिंग अपॉन द डिजास्टर्स कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन दैट विच प्रिवेल ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम इन अ पर्टिकुलर एरिया. हाँ जी, क्लियर? सो दिस इज हाउ द पॉपुलेशन डेंसिटी इज counted. N stands for population density, NT stands for the zero time density, that is starting में जो भी आपने शुरू किया, NT plus 1 stands for the particular time for which you have counted the population density. B is birth, I is immigration, D is death or mortality, and E is e-migration. Done? Okay. हाँ जी, done? Any question, any confusion? Have you noted down this test also? Those who have joined late, please note it down. This Friday, you will be having the test of the chapter Microbes in the Human Welfare. So just by tomorrow, day after tomorrow, we'll be starting the revision of that chapter. So that before your test, we'll be revising the chapter as well. So till that time, we are starting with the revision of this chapter Microbes in the Human Welfare. Till that time, you please continue with your studies. You please learn those chapter. That chapter, that topics very particularly, and then you give me the test. Okay, right? Anybody having any question, any doubt till now?
Anybody wants to ask anything? So continuing this further, that is population density कैसे increase हुआ ये हमें पता चल गया, ठीक है। अब उसी के behalf पे हमने यहाँ पे दो growth models पढ़ने हैं। The growth models that which describes when the resources available to the population they were more, they were endless, they were unlimited, or when they were limited. How the population is going to behave when the resources will be available, resources will be unlimited, and when it is limited for a particular population. So, वहाँ पे हम पढ़ते हैं growth model. अभी मैंने पिछले topic में आपको एक concern दिया था कि normally under the normal conditions we expect that the birth plus I, that is b plus I वाला जो ratio है, वो हमारे पास as in comparative to d plus e वालों में से ज़्यादा होगा. Until and unless there is no shortage of any resources. Until and unless there is like death or immigration, ज़्यादा e-migration, ज़्यादा कब होगी? जब ही या तो resources खत्म हो जाएं, या कोई disastrous conditions आ जाएं, environmental hazards आ जाएं, ठीक है? उन conditions में deaths immediate हो जाएंगे, ठीक है? फिर obviously flood आ गया, तो बहुत सारे organisms एक साथ से खत्म हो जाएंगे. Rather than giving the birth to, birth लेने में तो time लगेगा, लेकिन deaths में minute लगता है, ठीक है? That is hardly in a minutes you can see that due to these disasters number of the people they are also losing their lives, है ना? तो ये सारी चीजें, ये conditions जो हैं, they are always affecting the things. Nothing is like you can say particular, nothing particularly is going on, but still we always think of under the natural conditions, under the normal conditions, not the disastrous ones, we always consider births as to be more to the deaths, ठीक है? वैसे भी एवरेज एज जो है वो डेथ की, अभी जो है आर्टिफिशियल सॉरी नेचुरल एजेस में एवरेज एज एज ग्रुप जो है वो डिक्रीज कर दिया गया है. बट अदरवाइज अगर हम देखें तो पॉपुलेशन में हम लोग ये कभी भी कन्फिगर नहीं कर पाते कि ज्यादा बर्थ्स हो जाएंगी या ज्यादा डेथ्स हो जाएंगी या ऐसा कुछ. कोविड की वजह से डेथ्स कितनी सारी हो गई, तो पहले ऐसा नहीं था. इमीडिएट इतनी सारी डेथ्स पॉसिबल हो गई, थ्रू आउट द वर्ल्ड पॉसिबल हो गई, ठीक है? सो ऐसा पहले नहीं था. Okay, coming to this growth models, here we are to study the two of the growth models. One is the exponential growth model and another is the exponential growth model, and the second one is the logistic growth model. ठीक है, exponential growth model and logistic growth model. Exponential growth model works on unlimited resources. When the resources available are unlimited, this is unlimited resources are available. Logistic works when there are limited resources are available. जब सिर्फ limited resources होंगे तब कैसे response आएगा, जब unlimited होंगे तो कैसा response आएगा. अगर हम population density का graph बनाते हैं with respect to time under the exponential growth curve, इसमें अगर हम exponential growth curve में population density का एन मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर हम इसका ग्रोथ कर्व बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम टी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इज इट गोइंग टू जस्ट इंक्रीज 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 लाइक अ स्ट्रेट लाइन, और इट इज गोइंग टू इंक्रीज एंड देन डिक्रीज ऑल्सो लाइक अ पैराबोला? हाँ जी बताइए मुझे, व्हाट विल बी द दिस शेप ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व? एनीवन? Those who were saying that they have studied this chapter, many of you people have told me already, you have already studied this chapter, organisms and populations. Anji, batao. No idea. Initially, when the time grows, the population density that keeps on growing because they are utilizing their resources. ठीक है, पहले पहले क्या है? ये ग्रो करते जाएंगे, जैसे जैसे रिसोर्सेज को ये कंज्यूम करते जा रहे हैं, टाइम बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जाती. लेकिन अब एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो स्टेबल हो जाएगी, वो सेम टू सेम वही रहेगी. ठीक है, अगर ये पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब एक आप कंसिडर कर सकते हो सिंपल, कि पहले नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज अनलिमिटेड अवेलेबल है, खत्म होंगे नहीं. तो ये नेचुरल रिसोर्सेज जब भी पहले अवेलेबल थे, ये एक मतलब ऑर्गेनिज्म जो है इनको कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है, बहुत अच्छे से कंज्यूम कर पा रहे थे, इनकी यूजेज कर पा रहे थे और अपनी ग्रोथ को अच्छे से प्रॉपर शो कर रहे थे, एंड हेंस दे वर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग. ठीक है, उसके बाद ये अनलिमिटेड रिसोर्सेज में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है मतलब जो काउंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे पास बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम. ठीक है,
क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, टाइम अब कम लगेगा लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी और बढ़ती जा रही है, क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो है हमारे पास वो ज्यादा हैं। तो ऐसे में अगर मैं ये वाला ग्राफ बना रही हूँ जिसमें मेरे पास पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती ही जा रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब आप यहाँ पे काउंट करो पॉपुलेशन डेंसिटी, फिर यहाँ पे काउंट करो, यहाँ पे काउंट करो, ठीक है, इट इज बिकमिंग स्टेबल, ये स्टेबल आ रही है ना पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ टाइम, पर्टिकुलर टाइम हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी में सिर्फ एक ही ग्राफ नजर आ रहा है, दैट इज इट इज इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ठीक है, नो डिक्रीज, नो बिकमिंग कॉन्स्टेंट, एक ही नंबर नहीं रह गया, कम नहीं हुआ, ज्यादा ही हो रहा है, सिर्फ इंक्रीज की तरफ स्टेबल उसने एक कॉम्पोनेंट शो कर दिया कि सिर्फ इंक्रीज 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 ही होता जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी का। ये पॉसिबल कब है? जब बर्थ्स ज्यादा होंगी डेथ्स से, ठीक है। अगर हम इसकी एक इक्वेशन बनाते हैं, इस ग्राफ की एक इक्वेशन हम डिराइव करते हैं, दैट इज अ डिफरेंशिएशन इक्वेशन बनती है, तो दिस इज डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू बी माइनस डी, विच इज अगेन यू कैन रिप्लेस इट विद द आर, ठीक है, जो कॉफिशियंट आएगा हमारा आर आएगा बी माइनस डी इंटू एन, दैट इज अ नॉर्मल पॉपुलेशन डेंसिटी जो हमारी एक काउंट ऑफ डेंसिटी है। ऐसे ग्राफ में बी हमेशा ज्यादा है डी से क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, तो दिस इज द इक्वेशन विच सपोर्ट्स इट, ठीक है, डी एन बाई डी टी इज इक्वल बी माइनस डी एन, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, आर इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, बी माइनस डी सेम ही रह रहा है, ऑलमोस्ट वो बढ़ता ही जा रहा है, तो मतलब वो सेम ही रहता जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में देखेंगे तो यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जब तक के लिए तो रिसोर्सेज अवेलेबल थे, तब तक के लिए हमने सेम ग्राफ प्लॉट किया टाइम का पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ, ठीक है। अब जब तक के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल थे तब तक के लिए तो ऐसे ही जैसे उसमें स्टार्टिंग हुआ, ऑर्गेनिज्म ज्यादा, ऑर्गेनिज्म थोड़े हैं लेकिन रिसोर्सेज उनके लिए शुरुआती बहुत ज्यादा थे, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, आते गए आगे, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि रिसोर्सेज कम होने शुरू हो गए, ऑर्गेनिजम्स बढ़ गए तो उनके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल कम हो गए, समझे। तो यहाँ पे जब ये कम हो जाएंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो इनकी फ्लक्चुएशन क्या आएगी, दैट आफ्टर दिस दे विल बी अंडरगोइंग अ पर्टिकुलर स्टेबल फेज, वो पॉपुलेशन उतनी ही रह जाएगी, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी लाइक राइजिंग अप एंड देन मूविंग टू अ स्टेबल कंटिन्यूड फेज, ठीक है, दिस इज अ एस शेप्ड कर्व एंड दिस इज अ जे शेप्ड कर्व, ठीक है। आपको अगर यहाँ पे लिखना है, इसको एक्सप्लेन करना है, वी डिराइव अ J shaped curve over here and we derive a S shaped curve in the logistic growth curve, ठीक है। जिस भी population में, जिस भी population point पे ये constant value आ गई, हम उस value को mark कर देते हैं as K. K is what? K is the carrying capacity. ये वाली capacity of the population density जो है ये अब stable हो गई under those limited resources. उतने हैं उतने ही रह जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि डेथ्स नहीं होंगे, मतलब उतनी ही प्रोपोर्शनेट बर्थ हो रही है, उतनी ही प्रोपोर्शनेट डेथ्स हो रही है, क्योंकि वहां पे सोर्सेज ही लिमिटेड थे। शुरुआत में जब बहुत ज्यादा थे पॉपुलेशन कम थी, जीरो थी, जब यहाँ पे आप शुरू करते हो तो जीरो होता है, तो जब ये जीरो थी वहां से ये बढ़ रही है, लेकिन जब ये बाद में एक पॉपुलर सॉरी एक प्रॉपर इसमें काउंट आ गया पॉपुलेशन का, उस टाइम पे जाके ये सिंपल एक स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। अब इसकी अगर आपको इक्वेशन बनानी है सेम वे जैसे हमने यहाँ पे बनाई है, सो दिस इज डी एन बाई डी टी आर इंटू एन था, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर इंटू एन इंटू के माइनस एन बाय के, दैट इज द कैरिंग कैपेसिटी के साथ हम इसको डिराइव करेंगे, आर एन इंटू के माइनस एन बाय के, दिस इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय दिस कैरिंग कैपेसिटी के, ठीक है। तो अगर आपको इस पे क्वेश्चन आता है, से आपको अगर क्वेश्चन आता है टू राइट अ शॉर्ट नोट, यूजुअली ओनली अ शॉर्ट नोट इज गिवन, राइट अ शॉर्ट नोट और एक्सप्लेन द ग्रोथ मॉडल व्हेन द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, ये क्वेश्चन बहुत बार ही आया हुआ है, व्हेन द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड राइट अ शॉर्ट नोट इन दिस, और व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड राइट अ शॉर्ट नोट इन, ठीक है। अगर आपको पूछा है अनलिमिटेड रिसोर्सेज है तो कैसा ग्रोथ शो करेगा, ग्रोथ मॉडल एक्सप्लेन करो, पहला आप लोगों ने लिख दिया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, ठीक है, दूसरा आपने ये ग्राफ बना लिया, तीसरा आपने इक्वेशन लिख देनी है, चौथा आपने इसमें शेप लिख देनी, ठीक है।
इट्स अ क्वेश्चन ऑफ 3 marks एट मैक्स. अगर आपको ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन आएगा 3 नंबर में, नहीं तो दोनों इकट्ठे आ गए तो 5 marks. ठीक है, तो आपने ये 4 चीजें लिख दी, योर फुल मार्क्स आर देयर फॉर यू. ठीक है, प्रोवाइडेड ग्राफ के साथ ये मेंशन जरूर कर देना दोनों एक्स और वाई एक्सिस. सिमिलर इज फॉर द लॉजिस्टिक. अगर आपको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व और द सॉरी लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल. ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है, दिस इज डिराइव्ड व्हेन द रिसोर्सेज अवेलेबल आर लिमिटेड. ठीक है, दूसरा आप ग्राफ बनाइए और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दीजिए उसकी. तीसरा आपने उसका शेप बताना है और चौथा इक्वेशन भी जरूर लिखना है. एंड माइंड इट, दिस क्वेश्चन ऑलवेज रिक्वायर द 2 things. पूछिए कि नहीं, आपने ये 2 चीजें जरूर देनी है. 1 is the graph, another is its equation. ठीक है, ग्राफ एंड इक्वेशन, ये दोनों चीजें आपने जरूर लिखनी है. ठीक है, पूछिए कि नहीं, राइट. आपने ये दोनों चीजें जरूर लिख के आनी है अपने आंसर में. इफ दैट कंटेन्स द आंसर इज देयर दैट इज आस्किंग फॉर यू इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्रोथ मॉडल. ओके, व्हेन द लिमिटेड रिसोर्सेज आर देयर, व्हेन द अनलिमिटेड रिसोर्सेज आर देयर. ओके, क्लियर, डन. एनी क्वेश्चन टू एनीवन? यस. फर्दर आफ्टर दिस, ये तो हो गया हमारा इंडिविजुअल एज अ ऑर्गेनिज्म क्या क्या बिहेवियर्स है, एज अ पॉपुलेशन क्या क्या बिहेवियर्स है टुवर्ड्स अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज. नाउ द नेक्स्ट इज, एज इन द पॉपुलेशन हाउ डू द ऑर्गेनिजम्स बिहेव. ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारा इस चैप्टर का. इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन हाउ डू द ऑर्गेनिजम्स बिहेव, वॉट इज द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, वेदर इन अ पॉपुलेशन वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटिंग द अनदर, वन ऑर्गेनिज्म इज हार्मिंग द अनदर, बोथ टुगेदर आर बेनिफिटिंग ईच अदर, बोथ टुगेदर आर हार्मिंग ईच अदर. ठीक है, तो किस तरह का बिहेवियर है उनका, दैट क्रिएट्स अ पॉपुलेशंस इंटरैक्शंस. ठीक है, सो देर आर वेरियस एग्जाम्पल्स इन योर बुक रिलेटेड टू द पॉपुलेशन इंटरैक्शंस, एंड दैट इज सॉरी एंड दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसमें से जो यूजुअल क्वेश्चन आता है, दैट इज दे गिव यू इधर द एग्जाम्पल नेम से द काउ एंड द एग्रेट्स आर देयर. तो वो क्या करती हैं, व्हाट इज द इंटरैक्शन सीन इन दोस. ठीक है, काउ एग्रेट्स एंड द काउज आर देयर, व्हाट इज द इंटरैक्शन सीन इन दोस. यहाँ अगर हम बोलें द स्मॉल फिशेज एंड द शार्क फिशेज आर देयर, व्हाट इज द इंटरैक्शन सीन इन दोस. ठीक है, सी एनिमल ऑन टेंटिकल्स एंड द स्मॉल फिशेज आर देयर, व्हाट इज द इंटरैक्शन सीन इन दोस. तो कुछ भी अगर आपको एग्जाम्पल आता है, जैसे फिग इनफ्लोरेसेंस आता है विद द वैस्प, येलो वैस्प, उनके इंटरैक्शंस क्या हैं. ठीक है, तो आपको नेम ऑफ, यू आर सपोज टू, इफ द एग्जाम्पल इज गिवन, यू आर सपोज टू राइट द टाइप ऑफ इंटरैक्शन इन इट. ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ इंटरैक्शन दे आर हैविंग, वेदर दे आर हैविंग म्यूचुअलिज्म, दे आर हैविंग द एसोसिएशंस लाइक कमेंसलिज्म इज देयर, रोमेंसलिज्म इज देयर, व्हाटएवर. ठीक है, तो वो आपने एक्सप्लेन करना. प्लस सेकेंड केस आता है हमारे पास, दे आर सिंपली गिविंग यू द वर्ड दैट इज प्रेडेशन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रेडेशन. ठीक है, सपोर्ट योर आंसर that the predation is a kind of the organism's interaction in a population. Support your answer with the 3 examples if 3 are given in your NCERT. ठीक है, तो इस तरह से ये question जो है ये frame होगा, और ये question भी पक्का से होगा आपकी book में, आपके papers में, आपके finals में, आपके boards में, आपके pre-boards में. ये question पक्का मिलेंगे आपको, आपकी जितनी reference books हैं उनमें भी आप अपनी back exercises देखेंगे तो ऐसे वाले question जरूर मिलेंगे. And they are one of the most important and most asked type of a question for your boards and pre-boards. Okay. So next will be the interaction. We'll be studying it tomorrow. Till that, you also please get some examples from your NCERT already set. Okay. Anyone having any question in doubt?